गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हारमोनियम के बारे में चर्चा करेंगे। हारमोनियम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र है और हारमोनियम सुशील वाद्य यंत्र है। चलिए आज हारमोनियम के बारे में चर्चा करती हूँ। सबसे पहले हारमोनियम के परिचय बताते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम ने एक अलग ही पहचान बनाई है। हालांकि हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में हुआ था, किंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल होने के कारण यह जल्दी ही अपना लिया गया, यानी भारत में हारमोनियम को अपना लिया गया। नेक्स्ट आते हैं, हारमोनियम में हवा के प्रवाह से कंपन उत्पन्न होता है, जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है। हारमोनियम में हवा का प्रवाह यानी एयर पंपिंग कराने के लिए पैर तथा हाथ का उपयोग किया जाता है। अपने देश के ज़्यादातर हारमोनियम में बेलोस यानी धौकनी का इस्तेमाल होता है, जिसमें हाथ के द्वारा धौकनी को निरंतर आगे और पीछे करते रहने से हवा का प्रवाह होता है। यानी चूंकि हारमोनियम सुशील वाद्य है, यानी हवा द्वारा वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे हवा के द्वारा ही आगे पीछे करते हुए बजाते हैं। अब आते हैं कि ये बेलोस क्या है, हारमोनियम में धौकनी क्या होता है। धौकनी हारमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। यह गत्ते, कार्डबोर्ड तथा चमड़े लेदर से मिलकर बना होता है। किस तरह का होता है ये आप पिक्चर देख लीजिए, इस तरह का गत्ते के बना होता है और चमड़े का बना होता है, जिसे हम लोग हारमोनियम का बेलोस कहते हैं। इसके बाद कीज, हारमोनियम के दो बेलोस होते हैं, एक एक्सटर्नल बेलोस और एक इंटरनल बेलोस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल बेलोस, बाहरी धौकनी क्या होता है। इसे हाथ से निरंतर चलाने के दौरान यह हवा को वाल्व से प्रवेश कराकर इंटरनल बेलोस में भेज देता है। इसमें पीछे के तरफ 5 या उससे अधिक बल्ब लगे होते हैं। अब आते हैं इंटरनल बेलोस में आंतरिक धौकनी। व्हाट इज़ आंतरिक धौकनी, व्हाट इज़ इंटरनल बेलोस। इंटरनल बेलोस हवा को संग्रहित यानी रिजर्व कर लेती है, तथा यह हवा को कंपन पट्टी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रीड स्पोर्ट, की तरफ छोड़ती है, जहाँ स्टॉप से होते हुए यह कीस के पास पहुँचती है और कीस को दबाने के फलस्वरूप आवाज़ उत्पन्न होती है। आंतरिक धौकनी हारमोनियम के भीतरी हिस्से में होती है, ये बाहर से दिखाई नहीं देती। अब हारमोनियम का आकार क्या होता है। आकार में हारमोनियम एक बक्से की तरह होता है। इसमें कीबोर्ड की तरह ही दबाने के लिए कीज होते हैं और दिखाने में यह बिल्कुल वैसा ही लगता है। यह केवल हवा के दबाव वाले प्रणाली पर काम करता है। वादक इसके फ्लैप को आगे पीछे यानी धौकनी को, बेलोस को आगे पीछे करके हवा भरते हैं और कीज दबाने पर उपयुक्त स्वर निकलता है। अब ये कीज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीज, हारमोनियम के कीज अथवा स्वर क्या है। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि सा रे गा मा बहुत तरह के कलरफुल ग्रीन स्काई रेड कलर है, और नीचे एक एक बॉर्डर लाइन में मंदर सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक लिखा हुआ है। यानी 3 सप्तक होते हैं, एक मंदर सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। हारमोनियम के 3 सप्तक, मंदर सप्तक में सा से सा, मध्य सप्तक और तार सप्तक। नेक्स्ट, सप्तक किसे कहते हैं।
ऊपर के सात स्वरों के समूहों को ही सप्तक कहा जाता है। हारमोनियम में तीन सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य तथा तार सप्तक, तथा इन तीनों सप्तकों से मिलकर हारमोनियम का कीबोर्ड होता है। गायक अथवा वादक हारमोनियम बजाते समय ज़्यादातर मध्य सप्तक का उपयोग करते हैं। हारमोनियम के एक सप्तक में सात सफ़ेद तथा पांच काले कीज होते हैं। ऊपर के चित्र को बड़ा करके ध्यान से देखें। अब पार्ट्स ऑफ हारमोनियम, हारमोनियम के कितने क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है बिलोस, जिसे हम आगे पीछे करके हवा भरते हैं। ये कीज, जिसे बिलोस की हवा द्वारा कीज बजाते हैं। ये हैंडल है, जिसको हम लोग पकड़ के रख सकते हैं। ये स्टॉप्स है, जो निकालने के बाद ये कीज बजता है। ये रीड्स है, जो अंदर रहता है। ये सब हारमोनियम का पार्ट्स है, यानी हैंडल, बेलोस, रीड्स, कीज एंड स्टॉप्स। ये हारमोनियम कहाँ कहाँ उपयोग होता है संगीत में। हारमोनियम का उपयोग शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भजन, फिल्मी इत्यादि में लाया जाता है। थैंक यू।